हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो डेली लाइफ में यूज होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें अक्सर बोले जाते हैं। जैसे मानो या ना मानो वह कल नहीं आएगा, मानो या ना मानो तुम्हारे भाई ने इस काम को किया है, मानो या ना मानो अध्यापक ने उसे दंडित किया। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें मानो या ना मानो जब आते हैं तो उसमें बिलीव इट और नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी जो मानो या ना मानो उसके लिए बिलीव इट और नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आइए सेंटेंस में देखते हैं कि किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे दिया है मानो या ना मानो, तो इसके लिए सबसे पहले हम बिलीव इट और नॉट का प्रयोग करते हैं। बिलीव इट और नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस बच जाता है उसको हम लिख देते हैं। अब वह जिस टेंस में होगा उस टेंस का स्ट्रक्चर जो भी होगा लिख देंगे। जैसे दिया है कि मानो या ना मानो वह कल नहीं आएगा, तो अगर हम इसको अनुवाद के रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा बिलीव इट और नॉट वह कल नहीं आएगा, या फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो फ्यूचर का जो भी स्ट्रक्चर है उसको लिख देंगे कि ही विल नॉट कम, और ये हो जाएगा टुमारो। ये हो गया बिलीव इट और नॉट, विश्वास करो या ना करो, चाहे मानो या ना मानो। फिर दिया है कि मानो या ना मानो सुधांशु बहुत बुद्धिमान है, तो फिर अगर यहाँ लिखते हैं तो मानो या ना मानो के लिए बिलीव इट और नॉट, फिर हो जाएगा सुधांशु बहुत बुद्धिमान है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको लिख देंगे। ये हो जाएगा सुधांशु इज वेरी इंटेलिजेंट। ये हो गया सुधांशु इज वेरी इंटेलिजेंट। फिर अगला दिया है कि मानो या ना मानो ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है, यानी सर्वत्र है, तो अगर इसको भी अनुवाद के रूप में लिखते हैं तो पहले मानो या ना मानो, तो यहाँ फिर हो जाएगा बिलीव इट और नॉट, फिर हो जाएगा ईश्वर सर्वत्र है या सर्वत्र उपस्थित है, तो यहाँ हो जाएगा गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। ये हो जाएगा। फिर अगला दिया है कि मानो या ना मानो अध्यापक उसे दंडित किए, तो अगर इसको भी हम अनुवाद के रूप में लिखते हैं तो फिर ये हो जाएगा बिलीव इट और नॉट, अध्यापक उसे दंडित किए पास्ट इंडिफिनिट में है, तो पास्ट इंडिफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा द टीचर, पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब सेकेंड फॉर्म लगता है तो दंडित किए तो पनिश, और सेकेंड फॉर्म हो जाता है तो पनिश्ड उसे, तो ये हो जाएगा हिम, कि अध्यापक ने उसे दंडित किए या दंडित किया। फिर अगला सेंटेंस है कि मानो या ना मानो अनामिका मधुर गीत गाती है, तो फिर मानो या ना मानो इसके लिए हम लिखेंगे बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, फिर यहाँ लिख देंगे अनामिका, अनामिका मधुर गीत गाती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा सिंग, अनामिका सिंगुलर नंबर है तो सिंग्स, मधुर गीत गाती है तो स्वीट सॉन्ग, ये हो जाएगा स्वीट, और ये हो जाएगा सॉन्ग। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस आते हैं अगर मानो या ना मानो आता है तो उसके लिए बिलीव इट और नॉट का प्रयोग करेंगे, और बाकी जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को अनुवाद कर देंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसे भी टच कर दीजिए, और उसमें ऑल वाला जो ऑप्शन होगा उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वह समय समय पर आपके पास पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए।